नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजावत। एक गोल्डन नंबर है 8871022710, आप नोट कर लीजिए। मैं आपका फ़ोन पर यथासंभव जवाब दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक डाउट होता है कि हम प्रेस से कैसे जुड़ें। हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि हम प्रेस आईडी कार्ड कैसे प्राप्त करें और कितना खर्चा आएगा। तो बहुत सारी सिंपल सी चीज़ें हैं। कई लोग ऐसे हैं जो किसी स्टूडियो में बैठकर या कहीं चकाचौंध में आपको आकर्षित पैकेज बेचने की कोशिश करते हैं कि आप उनके लिए काम भी करें और बदले में आपका प्रेस आईडी कार्ड के लिए पैसे भी वसूल कर लें। लेकिन ऐसे कई चैनल्स को मैं जानता हूं जो पैसा लेते हैं, कई ऐसे ग्रुप्स को मैं जानता हूं जो भोले वाले और क्षेत्रीय पत्रकारों को, ग्रामीण पत्रकारों को पैसे की मांग कर पत्रकार बना देते हैं। लेकिन ईको डिजिटल मीडिया से आप बिना पैसे के प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हो, ये 100% सत्य है। आप इसकी पुष्टि के लिए 8871022710 पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजावत आपकी यथासंभव मदद करूंगा। अब बात करते हैं कि ई खबर डिजिटल मीडिया में प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे निवेदन कर लूं कि केवल ई खबर डिजिटल मीडिया से वही पत्रकार साथी जुड़ सकते हैं जो लेखन में और वीडियो बनाने में रुचि रखते हों, जो खबर की बारीकी को समझते हों या खबर को समझकर उसे संपादित करने में सक्षम हों, वही पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कैसे आवेदन करना है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएट और मास्टर्स और या अन्य एमफिल या पीएचडी वाले भी ई खबर से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। फर्क इतना सा है कि जो 10वीं पास होंगे वो संवाद सूत्र के रूप में और जो 12वीं पास या अंडर ग्रेजुएट होंगे वो वीडियो रिपोर्टर के लिए काम कर सकते हैं और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो रिपोर्टर या ब्यूरो के लिए काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और www.ekhabar.in सर्च करना है या गूगल पर सर्च करना है ई खबर प्रेस आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन, तो आपको वहां पर एक लिंक आ जाएगा www.ekhabar.in /press। वहां जाके आप आवेदन कर सकते हैं या ई खबर पर एक बैनर आएगा और बैनर पर क्लिक करके गूगल फॉर्म खुलेगा, वहां पर step 1, step 2 और step 3, यानी फिर से बता दूं, step 1, step 2 और step 3 पर पूरी जानकारी है। आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे, हिंदी में जानकारी अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी और उसमें उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता और उसकी जो भी किस तरह से कार्ड प्राप्त होगा, कितने दिन में प्राप्त होगा, ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त है। वो आप वहाँ पे अच्छे से पढ़कर हमें कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लोग हमें कॉल करते हैं पहले और जानकारी पढ़ते हैं बाद में, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ई खबर पर जाकर जानकारी पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल आप पूछने वाले होते हैं वो जवाब वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं और बड़ा कठिन होता है कि हर किसी को एक पुख्ता समय या थोड़ी ज़्यादा देर तक समय देना मुश्किल होता है, क्योंकि हजारों लोग कॉल करते हैं, उनको बाकायदा उनको समझाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बेसिक जानकारी है वो ekhabar.in से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेस आईडी कार्ड कैसे प्राप्त होगा। प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त आपको ईमेल के द्वारा होगा, यानी ऑफिशियल ईमेल आईडी press@ekhabar.in या अन्य ऑफिशियल ईमेल आईडी से आपको आपके मेल पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी दिया है उस पर आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, आपकी मार्कशीट और आपका बायोडाटा जो भी अपडेटेड हो वो आपको करना है। लास्ट में आपके साइन, एक फोटो साइन करके फोटो खींच के उस पर अपलोड कर दें। इस तरह से आप एक प्रोसेस फॉलो करेंगे और आपको जब फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा और जब मैसेज योर रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड या योर रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड प्लीज सेंड 10 news@ekhabar.in, यानी आपसे बोला जाएगा कि आप 10 खबर 10 दिन के अंदर यानी एक या दो खबर प्रतिदिन सबमिट करेंगे तो आपका ये प्रेस आईडी कार्ड 100% आपको 100% निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। अब समय है वर्ष 2020 का, आने वाले समय में हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो उसका रिन्यूअल भी कराएंगे, तो उसके लिए भी www.ekhabar.in पर जाकर एक लिंक मिलेगा और वो लिंक शायद 26 तारीख से 31 तारीख तक वैलिड रहेगा। आप उसे अच्छे से पढ़कर जो हमारे एग्जिस्टिंग रिपोर्टर हैं, पत्रकार साथी हैं, वो उसे पुनः वहाँ पर रिन्यूअल के लिए भर सकते हैं और आसानी से अपना प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो जनरल जानकारी थी, लेकिन एक जानकारी आपके साथ बहुत साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो पत्रकार साथी हैं वो अपने स्किल्स पर और क्वालिटी पर भी बड़ा काम करें। जो भी वो खबर भेजें उसको एक बार कम से कम खुद पढ़ें, उसकी हेडलाइन, उसका इंट्रो, उसका डिस्क्रिप्शन, ये बारीकी जानकारियां उनको भरनी चाहिए। और साथ ही साथ पत्रकारिता क्षेत्र में जो आसपास जो जरूरत चीज़ें हैं, जैसे कि उनका प्रेस आईडी कार्ड है, उनके आसपास जो भी संबंधित खबर के लिए क्या क्या कंटेंट उनको लेना चाहिए इनपुट में, उन सबकी बारीकी से उनको स्किल्स की और उनकी कला, उनकी जो पत्रकारिता शैली को तेज़ी से इंक्रीज करना चाहिए, उसको बढ़ावा करना चाहिए और उसमें अपने
महारत हासिल करनी चाहिए कि किस तरह से खबर को निकाला जाए और समय पर ई खबर के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजा जाए, जिससे कि वो समय पर प्रकाशित हो सके और आपको अधिक से अधिक जो पत्रकारिता का महत्व है वो समझ में आने लगे और उसकी खबर की इफेक्टिवनेस यानी उसकी प्रभावशीलता तेजी से बढ़ पाए। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और जल्द ही जनवरी 2021 से हम 1-to-1 वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें हमारे पत्रकार साथी हमारे वीडियो चैट के माध्यम से या वर्कशॉप में आकर वो मैक्सिमम लाभ लेने की कोशिश करेंगे और उनको हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उनको स्किल्स ट्रांसफ़र कर पाएँ, उनको नॉलेज एक्सचेंज कर पाएँ। कई ऐसे पत्रकार साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने आसपास हो रही घटनाओं को कैसे कवर करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को हम शेयर करना चाहते हैं। वो कई चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। और आप मुझे कॉल करें 88-710-22-710 पर, मैं आपका दोस्त और होस्ट दामोदर सिंह राजावत आपकी यथासंभव मदद करूंगा। और देखते रहिए www.ekhabar.in। जय हिंद, वंदे मातरम।